हेदा लुबीज, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? चलिए चेक करते हैं आज की रीडिंग्स। 10-10 एंजल नंबर आप सब लोगों ने देख लिया होगा। हैप्पी शिव प्रदोष टू एवरीवन। आज प्रदोष का रिचुअल करना भूलना नहीं है। प्रदोष काल का समय शाम को 7 से 9 बजे के बीच का है। अगर तब कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, तब नहीं कर पाते तो पूरे दिन में कभी भी कर लें। आज प्रदोष है तो बहुत ब्यूटीफुली दिल से चीज़ों को करें। भगवान जी का ब्लेसिंग्स गाइडेंस ज़रूर लें और कोशिश करें कि शिवलिंग पर भोले बाबा को हरा मूंग और गुड़ आज प्रदोष वाले दिन ज़रूर चढ़ा करें। चलिए चेक करते हैं आज की रीडिंग्स, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर 8109895050 ही मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको मिल जाएगी, _optimistic_33। यही मेरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है। इसके अलावा ना मेरा कोई नंबर है, इसके अलावा ना मेरी कोई इंस्टाग्राम आईडी है। बहुत सारे लोग मेरी फेक फ़ोटो डाल के आपको मैसेज करेंगे, तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा। बहुत सारे लोग फेक फ़ोटो डाल के आपको बोलेंगे कि मैं रितिका हूँ, आपकी रीडिंग करना चाहती हूँ, सो प्लीज़ उससे अवेयर रहिएगा। मैं कभी भी पर्सनली किसी को मैसेज नहीं करती हूँ। सारी फ्री सर्विसेज आपको डेली बेसिस पर मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी विथ रेमेडीज़, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। लेते हैं भोले बाबा जी का गाइडेंस, शिव जी का गाइडेंस और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आज के दिन के लिए, जब आज प्रदोष का दिन है। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, वाओ, अरे वाह, That's great. Bottom deck. That's beautiful. क्या ही बोले, सब तो बोल दिया आज यूनिवर्स ने सब कुछ। आज ये कार्ड्स, ये ऑरेकल डेक मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 पसंद है। क्लियर गाइडेंस देती हैं, क्लियरली सब बताती हैं और यू नो स्टक नहीं रखती इंसान को। एकदम क्लियर वन वर्ड आंसर और बस बता देना। मैं कभी भी स्टक होती हूँ ना, आई ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम दिस वन। दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट। और ग्रीन है, ग्रीन तो कलर मेरा फेवरेट है, आप सबको पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है, पहला ही इंडिकेशन बहुत बढ़िया दिख गया है, तो चीज़ों को थोड़ा प्यार से हैंडल करो, चीज़ों को बहुत प्यार से देखो, चीज़ों में बदलाव बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और यूनिवर्स का ये क्लियर गाइडेंस है कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन क्यों ना हो, आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही रिजल्ट दिलाएगी। अगर आप एक ऐसे जोन में हैं जहाँ आपको लग रहा है पता नहीं मैं हारूंगा, मैं जीतूंगा, मेरे फेवर में चीज़ें आएगी नहीं आएगी, मेरे फेवर में कुछ होगा नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दो। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वर्क ऑन मैनिफेस्टेशन। बहुत सारे लोग अभी अपने इमोशंस को, अपनी बातों को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी को बोल नहीं पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे, किसी को कन्फेस नहीं कर पा रहे, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे, और यही जोन आपकी हीलिंग जोन चल रही है। मतलब आप अपने आप पर बहुत वर्क कर रहे हो, अपने आप पर पूरा ध्यान दे रहे हो, अपनी एनर्जीज पर बहुत अच्छे से वर्क करते हुए दिख रहे हो। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी अभी चल रहे हैं, लाइफ में भी ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी चल रहे हैं और ये चेंजेस आपके फेवर में होने के लिए चल रहे हैं। ये चेंजेस आपको अच्छे बदलाव दिखाने के लिए चल रहे हैं, ये चेंजेस आपको पॉजिटिविटी देने के लिए हो रहे हैं। कार्ड्स तो बढ़िया आए हैं, तो थोड़ा प्यार से चीज़ों को डील करो, इमोशनल मत बनो, चीज़ें प्रैक्टिकल माइंड से चीज़ों को करो। बहुत सारे लोग यहाँ पर लव रिलेशनशिप को लेकर भी परेशान है, लव रिलेशनशिप से भी स्टक फील कर रहे हैं। लव रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे फेवर में होगा कि नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आया है कि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम चाह रहे हो, तुम्हें डर है, तुम छुपा रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारे मैनिफेस्टेशन से ही पूरा होगा। तो क्लियर गाइडेंस लो और आगे बढ़ो, ना इधर जाओ ना इधर जाओ। कंफ्यूज जितना रहोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा जीरो होगी, चीज़ें उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। जितना क्लियरली गाइडेंस माता रानी से लोगे उतनी जल्दी चीज़ें आपके फेवर में आएगी। ना आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आज के दिन किसी प्रकार का एक अच्छा न्यूज़ आएगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कार्ड बड़ा प्यारा आया है, बॉटम डेक का इंडिकेशन आया है। तो चीज़ों को प्यार से डील करो, चीज़ों को प्यार से महसूस करो, ये मत सोचो कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, उस एनर्जी में भी रहोगे तो ज़ीरो हो जाएगा सब। तो
अपनी विजुअलाइजेशन पर फोकस करो, अपनी एनर्जीज को स्ट्रांग बनाओ, किसी को कुछ खराब नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, अपने आप पर वर्क करना है। बहुत सारे लोग अभी अपने आप के अपने चेंजेस को फील भी कर पा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन बहुत ब्यूटीफुली कर रहे हैं और इनकी हेल्प से आने वाले लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस करो, चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली वर्क करो, डिवाइन माता रानी आपके साथ है। आज प्रदोष का दिन है तो अपने आप को खुश रखिए, न्यू मैनिफेस्टेशंस टेक्निक ट्राई करिए। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट। आई एम डैम श्योर आपने वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। कीप सपोर्टिंग। मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे राधे राधे।